सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत इस समागम के दूसरे दिन भी भरपूर आनंद प्राप्त हुआ। कल की तरह आज भी ऐसे उत्तम संदेश हमें श्रवण करने को मिले जो भाव शब्दों के रूप में भक्तों महापुरुषों ने सबके समक्ष रखे, जो कि देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए और उन प्रांतीय भाषाओं का सहारा लेते हुए यही पैगाम मानवता का, इंसानियत का ये सब तक पहुंचाया। और एक एक शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखता है। छोटे छोटे बच्चों की ज़ुबान से आपने सुना कि किस तरह से छोटी उम्र थी चाहे, लेकिन उड़ान बहुत ऊंची थी, संदेश बहुत ऊंचा था। जिन बच्चों को हम इस दृष्टि से अक्सर देखते हैं कि तो छोटी उम्र वाले, इनको क्या समझ है, लेकिन वही पंक्तियां जो फारसी में कही गई और अक्सर उसका जिक्र होता है कि बुजुर्गी ब अक्ल अस्त ना के बसाल, कि बुजुर्गी का वास्ता अकल के साथ है ना कि सालों के साथ है। तबंगरी बदिलस ना के बमाल, अमीरी माल के द्वारा नहीं है, दौलतों के कारण नहीं है, दिल की अमीरी जिसके पास है वो अमीर है। तो यहाँ पर बच्चे भी एक बुज़ुर्गों की तरह ही, जैसे कोई दाने होते हैं, इस प्रकार से उन्होंने, बच्चों ने भी सबके समक्ष ऐसे उत्तम भाव रखे हैं। अनेकों अनेकों भाषाओं की नुमाइंदगी हुई है। आपने आसाम गुवाहाटी से चल कर आए भक्तों की वाणी सुनी असमिया भाषा में, इसी तरह से राजस्थान से आपने सुना। अनेकों अनेकों भाषाओं में भक्तों ने ये पैगाम मानवता का, इंसानियत का दिया, प्रेम खलूस मिलवर्तन का दिया, अमन व चैन भाईचारे का दिया, जो एक थीम समागम की वर्ल्ड विदाउट वॉल्स, उसका भी सब ने जिक्र किया। इसी प्रकार से भी आपने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब के भी भाव श्रवण किए। आपने श्रवण किया मैथ्यू गाय, जो मेंबर पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न से चल कर आए, और इसी तरह से डॉक्टर ब्रायन ने भी अपने भाव सबके सामने रखे, जो एलसीसी वेस्ट के उस ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखते हैं जहां से इतने डॉक्टर्स यहां चल कर आए हैं। एक ऐसी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो सेवा के रूप में, जिसका अनेकों अनेकों लाभ उठा रहे हैं समागम पर, उन्होंने भी यही भाव रखे कि दया करुणा निष्काम सेवा वाले भाव इन्हीं की ही महत्ता हुआ करती है। संसार में आपाधापी पड़ी हुई है, लेकिन जो औरों का पहले सोचते हैं उन्हीं की महत्ता हुआ करती है। संसार में हर कोई खुद गर्जियों में जी रहा है, एक सेल्फिशनेस के साथ जी रहा है, हमेशा वो अपने आप को पहल देता है। जो भक्त महापुरुष संत हुआ करते हैं, जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो अपनों से ज़्यादा दूसरे की सोच रखते हैं।
इसीलिए वो बचपन से हम पंक्ति सुनते आ रहे हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी या दिल जमाने के लिए। कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन वास्तविकता में वो जीना ही जीना कहलाता है। उस जीवन की महत्ता होती है जो औरों के लिए जिया जाता है। इसीलिए भक्तों संतों की तुलना एक नदी की के साथ कर दी जाती है, एक वृक्ष दरख्त के साथ कर दी जाती है। कि एक वृक्ष दरख्त होता है, वो भी औरों को छाया देता है, औरों को फल देता है, खुद वो कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा रहता है। इसी तरह से नदी का जल भी उससे कितने कितने लाभ उठाते हैं। तो जो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं, जो भक्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, वो भी हमेशा औरों की सोच रखते हैं, औरों के काम आते हैं, उनके दुख सुख में शामिल होते हैं, दूसरे की पीड़ा हरने में अपने योगदान देते हैं, जख्मों पे मरहम का रूप बनकर उनका उपचार करते हैं। जो मानवता गिरती चली जा रही है, इस मानवता को बरकरार और उभारने के लिए ये कितने कितने तप और त्याग करते चले जाते हैं, कितने कितने बलिदान ये देते चले जाते हैं। इतिहास के पन्नों से हमें मिलता है कि वाकई ही ऐसे जीवन जीने वाले ही ऐसे हुए जिनका नाम रोशन हुआ, जिनके प्रति सत्कार का भाव पैदा हुआ, जिन्होंने हमेशा के लिए अपने निशान छोड़े, जिसका अनुकरण और अनुसरण करना ही एक विवेकी पुरुषों का एक कार्य हुआ करता है। तो महापुरुष संत जनों ने इस तरह से ये जीवन के द्वारा अपने ये सबके समक्ष ये मिसालें ये रखी हैं। जहाँ पर आज बटा हुआ संसार, बिखरा हुआ संसार, जहाँ पर अनेकता अभिशाप बन के रह गई है, जहाँ पर कोई एक दूसरे को एक आंख भाता नहीं है, जहाँ पर इनटॉलरेंस इतनी बढ़ चुकी है, टॉलरेंस लेवल कितना गिरता चला जा रहा है, ज़रा सी एक ज़ुबान से निकली हुई बात बर्दाश्त नहीं होती है, ज़रा सी एक मिनट की देरी बर्दाश्त नहीं होती है, किसी के भाषा बर्दाश्त नहीं होती है, किसी की जाति बर्दाश्त नहीं होती है, किसी का मज़हब बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के चिन्ह बर्दाश्त नहीं होते हैं, किसी का पहरावा बर्दाश्त नहीं होता है, किसी के तौर तरीके बर्दाश्त नहीं होते हैं। यानी कि बिल्कुल ही कोई टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ वलियों, गुरु, पीर, पैगंबरों ने पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बातें कही हैं कि हम एग्जिस्ट करें, को एग्जिस्ट करें। उन्होंने को एग्जिस्ट कहा है, केवल एग्जिस्ट नहीं कि एक जाति वाला एग्जिस्ट करे, एक मज़हब वाला एग्जिस्ट करे, एक कल्चर वाला एग्जिस्ट करे। को एग्जिस्टेंस का महत्व ही तभी होता है जब हर तरह के लोग एग्जिस्ट करें। जैसे भिन्न भिन्न फूल होते हैं, वो बगीचे की शोभा बनते हैं, वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक ही फ्लावर बेड में, एक ही क्यारी में नाना प्रकार के फूल उस क्यारी में हैं। उन फूलों को तो कभी लड़ते नहीं देखा, उन फूलों को तो नहीं देखा कि एक फूल दूसरे फूल को उखाड़ के उस क्यारी से बाहर फेंक दे। इसीलिए वो शोभायमान है, इसीलिए उनका महत्व है। इसी प्रकार से भक्त सज्जन प्रवृत्ति वाले भी, वो भी फूलों के मानिंद, भिन्न भिन्न प्रकार के फूल, भिन्न भिन्न महक वाले फूल, वो इस गुलजार की शोभा बनाते हैं, इस धरती को सजाते संवारते हैं, इस धरती के लिए वो वरदान बनते हैं। तो इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण जो चारों तरफ के हम देख रहे हैं,
ये भेदभाव, ये ना बर्दाश्त करने वाले मादे, इन्होंने आखिर क्या भला क्या किया है? मज़बूत तो मिल्लत की दीवार खड़ी करके आखिर इंसान की कहाँ पर भलाई हुई है? जाति पाति की दुहाई देकर जिस तरह से एक दूसरे को नकारा गया है, इससे आखिर वातावरण सुंदर बनाने में कौन सी मदद मिली है? लेकिन विडंबना यही है कि नुकसान हो भी रहे हैं, किए भी जा रहे हैं, और फिर भी इंसान के कदम उस तरफ जाने से रुक भी नहीं रहे हैं। उसी तरह से जैसे एक कोई शराबी होता है, कोई नशे करता है और उसका लिवर फेल हो रहा है, किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, सारा परिवार मजबूर हुआ पड़ा है, जितनी थोड़ी बहुत कमाई थी वो इलाज में लग रही है, कंगालता की हालत में पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्याला छोड़ने को तैयार नहीं है, वो उस बोतल को छोड़ने को तैयार नहीं है। नुकसान हो भी रहे हैं, शरीर का हो रहा है, जीवन हाथों से निकल रहा है, परिवार वालों के चेहरों पे मायूसी छा गई है, इसके बावजूद वो नशे की लत उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी तरह से अगर मूल्यांकन किया जाए, अगर एनालिसिस किए जाए कि जो जो भी रास्ता इंसान ने अख्तियार किया है, जहाँ बटना और बांटना हुआ है, जहाँ पर दुत्कारना हुआ है, जहाँ पर दीवारें और दरारें हुई हैं, आखिर इससे किसका भला हुआ है? किसी का भी भला नहीं हुआ है, केवल और केवल नुकसान ही हुए हैं। तो इसलिए महापुरुष संत जन इसलिए ये पैगाम दोहराते चले जाते हैं कि इंसान को ये जागृति मिले, इंसान समय रहते हुए समझ जाए, और इस प्रकार से वो अपने आप को उस रास्ते पे चला दे जो रास्ता चलते हुए वास्तविकता में संसार की भलाई होती है। ये दीवारें सारी गिराकर, जैसे कल भी जिक्र हुआ कि दीवारों को महत्ता वही देते हैं जो वास्तविकता में एक संकीर्ण दिल वाले होते हैं, जो एक अज्ञानता वाले होते हैं, उन्हीं के लिए दीवारें महत्व रखते हैं। लेकिन जागरूक जो होते हैं, जो इंसानियत वाले होते हैं, उनके लिए दीवारों की कोई महत्ता नहीं होती है। वो इस प्रकार से उन दीवारों को लांघ जाते हैं, उन दीवारों से पार चले जाते हैं, उन दीवारों को गिरा देते हैं ज्ञान हथौड़े से। इस प्रकार से फिर वहाँ कोई दूरियाँ नहीं रह जाती हैं, वहाँ पर नज़दीकत आ जाती है, वहाँ पर करीब हो जाते हैं, वहाँ पर अपनापन वो स्थापित हो जाता है। ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई, कि कोई पराया कोई बेगाना नहीं है, सभी अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है, कोई एलियन नहीं है, किसी और प्लैनेट से नहीं आया है, सारे इसी धरती के वासी हैं, इसी धरती पे जन्मे हैं, और सबको इस इंसानी जामे में जो आए हैं, पैदा हुए हैं, आज से पहले या आज या आने वाले समय में, ये सारे ही पांच तत्व के पुतले हैं, और इन सब में एक ही नूर परमात्मा की अंश के रूप में, आत्मा के रूप में है। इसीलिए एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर्य हो सर्व ठाई। ये जो सर्वत समाई हुई परम सत्ता परमात्मा है, यही एक घटघट में बसती है, यही एक आत्मा के रूप में ये हर किसी में, ये चेतन, ये कॉन्शियसनेस है जो ये बसती है। तो इसलिए जो इसी से अगर आई है, इसी की अंश है, तो फिर क्यों ये अपनापन पैदा नहीं हो रहा है? क्यों फिर बेगानेपन की भावना है? फिर क्यों ऊंच नीच वाली दृष्टि है? ये सब इसलिए है
कि इंसान ने वो असल वाली बात समझी नहीं है। जो असल बात है वो भी इसको पकड़ में आई नहीं है। ये अभी भी अज्ञानता का अंधकार ढोते चले जा रहा है, अभी भी ऐसी ऐसी मान्यताओं से युक्त है जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, जिसका कल्याण, उद्धार, मोक्ष, मुक्ति से कोई वास्ता नहीं है। मानकर बेशक वो चल रहा है कि जो कुछ वो कर रहा है उसका वास्ता सीधा सीधा कल्याण से है, जन्नत नसीब होगी, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे, ये परलोक में शाबाशी मिलेगी, ऐसा मानकर चल जरूर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये मान्यता जो है ये अज्ञानता के ऊपर आधारित है। हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, दूर दूर का भी वास्ता नहीं है। हकीकत यही है कि जन्नत उन्हीं को नसीब होती है जो दूसरों के लिए जन्नत बनने का कारण बनते हैं इस दुनिया में, दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। वो वास्तविकता में उनके हिस्से में जन्नत आती है। तो इसलिए ये इंसान की अज्ञानता ने इसको कहाँ कहाँ गिराया है, इसको कहाँ कहाँ पटका है, लेकिन हूढ़मती इंसान की कि उससे फिर भी बाज नहीं आता है, फिर भी उसी रास्ते पे चलते चले जाते हैं, वही सोच संकीर्ण रख कर चलते चले जाते हैं, जिधर से गुजरते हैं विनाश और मातम फैलाते चले जाते हैं। इस प्रकार से इंसान के जीवन ये हमें इस धरती पे जीने वालों के नज़र आते हैं, और वास्तविकता में ऐसे जीवन जीने वाले वो जीवन जीवन कहलाने लायक भी नहीं हुआ करते हैं। जीवन वही होता है जो प्यार के साथ जिया जाता है। जो इस तरह से जीवन विपरीत भाव से युक्त होकर जिए जाते हैं वो वास्तविकता में उनको जीवन भी नहीं कहा जाता है, वो एक चलती फिरती लाश ही हुआ करते हैं, उनमें कोई प्राण नहीं है। प्राण जो प्यार वाली धड़कन वाले प्राण हैं वो प्राण नहीं है, एक ऐसा ही खोखलापन है, एक केवल ढांचा है। तो महापुरुष कहते हैं कि जीवंत हो जाएं, ये जीवन हमारे जीवन को मिल जाए, हमारी धड़कनों को, दिल को सच्ची धड़कने मिल जाएं, जो प्यार के तहत धड़क रही हैं, ऐसी धड़कने इस दिल को मिल जाएं, हर दिल को मिल जाएं, और इसी के कारण ही दिल मंदिर बन पाएगा, वरना ये दिल मंदिर नहीं बनता है। ये दिल मंदिर तभी बनता है जब इस हृदय में प्रभु को बसाते हैं, इस हृदय में प्रेम को बसाते हैं, इस हृदय को प्यार से सजाते संवारते हैं, इस हृदय में करुणा का भाव उसको स्थान देते हैं, तो तब वास्तविकता में ये मन मंदिर जिसको हम कहते हैं, ये मन तभी मंदिर बनता है, इस मन को मंदिर बनाना होता है, वरना तो जो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो जुल्म सितम कर रहे हैं, मन तो उनका भी है, क्या उनके मन को भी मंदिर कह दोगे? मन मंदिर, हमारे जुबान पे ये शब्द आया हुआ है कब से, इसका इस्तेमाल भी करते हैं। अगर मन मंदिर ही हुआ करता है तो फिर तो वो राक्षस प्रवृत्ति वाले जो कत्लो गारत करने वाले, जुल्म सितम करने वाले, मन तो उनका भी है, फिर वो भी मंदिर है। मन को मंदिर बनाना होता है, मन मंदिर तभी बनता है जब इसमें इस प्रभु को स्थान देते हैं, इसको इसमें बसाते हैं, और इसी के कारण फिर वो तमाम भावनाएं, उत्तम भावनाएं, वो इस मन में से उपजती चली जाती हैं, और उसी के अंतर्गत दूसरों के साथ हम फिर व्यवहार करते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जीवन को जीवन मिले, वास्तविकता में हम कहलाएं कि वाकई ये जी रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं, केवल अपनी बोझ ही नहीं ढो रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से में आए, यही एक प्रार्थना, यही एक शुभकामना ये की जा रही है।
कि दातार ऐसी कृपा करो कि ऐसा हो पाए। ये केवल प्रार्थना ही नहीं है, ये उस ज्ञान के साथ जोड़ते हैं जिसके द्वारा ये सारे मसले हल हो जाते हैं। वो ज्ञान के साथ जोड़ते हैं, जो पेचीदगियाँ हैं वो सुलझ जाती हैं, जो नॉट्स पड़े हुए हैं वो गांठे खुल जाते हैं। तो इस ज्ञान के द्वारा ही हमारे सामने जो पेचीदगियाँ हैं उससे हमें ये निजात मिल जाती है। लेकिन अगर कोई इस तरफ बढ़ता ही नहीं है, वो इसको भी बहुत उस तरह से नकारात्मक दृष्टि से देखता है, तो फिर उसकी गांठें आखिर खुलेंगी कि ही कैसे, वो तो कभी खुलने नहीं पाएंगी। जैसे अगर उजाला चाहिए तो अगर दीपक जले हुए से गुरेज ही करते रहेंगे तो क्या अंधकार की ठोकरों से बच पाएंगे? अगर उस जलते हुए दीपक से ही गुरेज होगा, अगर उस तरफ हम बढ़ेंगे ही नहीं, तो फिर वास्तविकता में उन ठोकरों से कहाँ बचाव होगा। तो इसलिए इस ज्ञान उजाले की बात हो रही है, ये ट्रू नॉलेज की बात हो रही है, ये रियलाइजेशन की बात हो रही है। उस तरह से इंसान जैसे बच्चे होते हैं, एक बच्चा प्रे कर रहा है, एक शब्द उसके कि डियर मैथ्स, मैथमेटिक्स सभी जानते हैं कि एक सब्जेक्ट है, और वो बच्चा वो क्या कह रहा है कि डियर मैथ्स प्लीज़ ग्रो अप एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम्स योर सेल्फ, आई हैव अदर प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। कि वो मैथ से घबराता है और वो कह रहा है कि मैथ्स आप ही अपना प्रॉब्लम्स जो बार बार हमारे हाथ में आती हैं आप ही सॉल्व कर लो। यानी कि उस तरफ से गुरेज कि इंसान तू भी कुछ कर, तू भी उद्यम कर, तू भी उस तरफ अपने कदम बढ़ा। और जिन्होंने बढ़ाए आज उन्हीं के नगमे गाए जा रहे हैं, आज उन्हीं के प्रति हम सत्कार का भाव रख रहे हैं। वही वो रोशन मीनारे हैं जो अंधकार में आशा की किरण के रूप में हैं। जैसे आपकी सोच है, जैसे आपकी भावना है, उसी तरह से आप भी इस उजाले में जीवन जी रहे हैं। और सही मायनों में ये जीवन ही जीवन कहलाया करता है। इस प्रकार से इस संसार में आए हैं तो वाकई ही जीवन जीने के सलीके आ गए हैं, वरना तो सारी उम्र बीत जाती है, जीवन जीने का ढंग ही नहीं आता है। तो ये जीवन जीने का सलीका आया है। तो इस प्रकार से ये भक्त महापुरुष ये औरों को इसलिए निमंत्रण देते हैं, ये सबको पैगाम देते हैं। जैसे पहले भी महापुरुषों ने इसी तरह से निमंत्रण दिए हैं कि करूं बिनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरि लाहा, आगे बसे सुहेला। कि ये निमंत्रण देते हैं। एक और निमंत्रण ध्यान में आया, सभी जानते हैं कि स्थल होते हैं, कोई रिलीजियस प्लेसेस होती हैं, कोई टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं। तो एक वो भी मिसाल सामने आई और वो इस रूप में कि वो कैसे निमंत्रण दे रहा है, वो निमंत्रण वाले शब्द क्या हैं। वो शब्द ये हैं कि इससे पहले कोई लाए आपको मटके या जार में जीते हुए, कुछ दिन बिताओ हरिद्वार में। कि अगर जीते जी आप हरिद्वार आए नहीं और बाद में मटके में जार में आपके ऐशेज वहाँ लाई जाएंगी, तो कहते हैं इससे पहले आपको लाए कोई मटके या जार में, कुछ दिन तो जिंदा रहते हुए बिताइए हरिद्वार में। तो इस तरह से महापुरुष भक्तजन भी यही कहते हैं कि
कि इंसान जितनी देर ये सांसें चल रही हैं, इन सांसों के होते हुए इंसान तुम परम धाम को प्राप्त कर लो, इन सांसों के होते हुए मंजिल मकसूद प्राप्त कर लो, इन सांसों के होते हुए इंसानियत की डगर पर चल निकलो इससे पहले कि देर हो जाए। ये सांस छूट गए तो फिर तो क्या कर पाओगे, कुछ ना कर पाओगे, और ये बाजी हार कर जाने वालों की शुमार में आ जाओगे। ये जीवन की बाजी जीतनी है और इस प्रकार से इस बाजी को जीत कर अपना मुख उजला करें और वास्तविकता में संसार के लिए भी वरदान बनते चले जाएं। यही एक प्रार्थना, यही एक शुभकामना, यही एक अरदास है। समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और दोपहर से ही ये सत्संग चल रहा है, और कितने धैर्य के साथ आप सभी यहाँ पर उपस्थित और एक चित एक मन होकर इस तरह से अपनी ये घड़ियाँ बिता रहे, महापुरुषों के वचन श्रवण करके अपने आप को और एनरिच कर रहे हैं। जो वर्ड्स ऑफ विजडम विच वर स्पोकन बाय दोज हु गॉट ए चांस टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, सो वी वर ऑल एनरिच्ड बाय द वर्ड्स ऑफ विजडम एंड ऑल्सो द प्रेयर्स वर मेड दैट मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस to follow the path which was walked by saints and sages, the path of humanity, the path of righteousness, the path of love and compassion, of tolerance. So we have to lead our life walking on such a path, and not the path which leads us to devastation, which leads us to tyranny, leads us to violence, to intolerance, cannibalism, inhumanism. We definitely do not walk on that path. So that was also prayed to God Almighty, that may God bless everybody with wisdom, with enlightenment, with this realization that the lifespan which we are living is just a spark, just a flash when you compare it to eternity. So we have always to be aware of this limited time we have, this short lifespan we have, that we should make best use of this life which we are living and lead a virtuous life, not a life which is full of vices, which is harmful for one's own self and for others. So without taking much of your time, because already we are well past the time by what when we were to conclude this session, the marathon sitting, and know that our friends from North America and Europe, they are not used to for such long sittings, and also in these grounds when they were treating patients, so they were also spending so much time since from morning till they arrive in this pandal. So already often we use the term that drained out, but though physically we might be feeling tiredness, but at the same time we were getting supplements nourishing us by the thoughts which we were getting, the words of wisdom we were getting. They were enriching us and
साइड बाय साइड मेकिंग अस फ्रेश। तो साध संगत दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी आगे बढ़ चुका है और अभी कल का रोज़ बाकी है। जो विधिवत 3 दिनों का समागम अनाउंस हुआ, कल भी, आज भी और कल का 3रा दिन, आज इस सत्संग से पहले सेवादल रैली भी हुई, जहां पर सेवादल के नौजवान, द वॉलंटियर्स, दोज हु आर डूइंग सेल्फलेस सर्विस इन थाउजेंड्स, वेदर इट इज़ क्लिनलीनेस ड्राइव, वेदर इट इज़ टी प्लांटेशन ड्राइव, वेदर इट इज़ ब्लड डोनेशन कैंप्स और मेडिकल चेकअप कैंप्स, वेदर एट द टाइम ऑफ नेचुरल कलेमिटीज़, दीज वॉलंटियर्स हुम यू ऑल आर सीइंग इन दिस यूनिफॉर्म, सो इन द फॉर्म ऑफ द रैली they were getting blessings from all the congregation, from the saints, and they were also asking for strength that they may keep on serving mankind selflessly. To ye seva dal ke jawan bhi isi prakar se sevaon mein din raat jo lage rehte hain, samaj ki, sansar ki, desh ki, vishv ki, ye sevaon ko nibha rahe hain, to wo bhi आज सेवा दल की रैली के रूप में भी हमने आनंद प्राप्त किया, और अभी भी इस समागम सत्संग के रूप में भी हमने आनंद प्राप्त किया। तो दातार कृपा करे कि कल का दिन भी इसी तरह से आनंदमय हो। सत्संग जी धन का।